नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। साहिबगंज जिले से एक बड़ी खबर आई है। जी हां, झारखंड की जघन्य घटनाओं में से एक जो 16 दिसंबर को जो है साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र में घटी थी, जहां एक आदिम जनजाति महिला को उनके पति दिलदार अंसारी और ससुराल पक्ष के द्वारा जो है टुकड़ों में काटा गया था, जहाँ 18 टुकड़े जो है बरामद किए गए थे। वहीं शनिवार को जो है रेबिका का सर जो है बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बोरियो बाजार क्षेत्र अंतर्गत तालाब के पास जो है रेबिका का जो है सर बरामद किया गया है, और मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि यह प्रतीत हो रहा है कि यह रेबिका पहाड़िन का ही सर है, क्योंकि इसके आसपास जो है बाल भी बरामद किए गए हैं और सर में जो है एक झुमका भी बरामद किया गया है, जिससे यह महिला के सर प्रतीत हो रहे हैं। वहीं इसकी आधिकारिक जांच के लिए सर को कब्जे में लेकर जो है डॉक्टरों के पास भेजा जा रहा है, इसके बाद इसकी पुष्टि जो है पूर्णता हो जाएगी। मालूम हो कि रेबिका पहाड़िन की जो जघन्य घटना घटी है वह 17 दिसंबर को पता चली थी, जब जो है उनका शरीर के कुछ टुकड़े जो है लोगों के संज्ञान में आए थे, जिसके बाद जो है पुलिस जो है मामले की जाँच में जुट गई थी। और मानव अभी चूंकि कान का बाल ही उसमें लगा हुआ है, तो ये उम्मीद करते हैं कि किसी महिला का ही है। और हम लोग अभी रिसेंटली जो घटना हुई है रेबिका पहाड़िन वाली, तो कहीं ना कहीं ये उसी की हम लोग को सिर का हिस्सा लगता है, क्योंकि इसके आसपास के इलाके में ही हम लोग को बाल मिले हैं और कपड़े आदि मिले हैं। तो उनके घर की बात है, लेकिन हमारे लिए तो फिलहाल ये अब उस केस से रिलेटेड जो प्रदर्श होता है वो जिसको हम लोग जब्त करके ले जा रहे हैं, अब हम लोग इसको जो आगे प्रक्रिया उसे लगा देंगे, मतलब पहचान के लिए इसको करना पड़ेगा, फैसल वगैरह में भेजने की प्रक्रिया वो करेंगे।